कस्टमर को पेट्रोल नहीं देते हैं क्या हेलमेट? दे रहे हैं भैया, जब अधिकारी लोग आ जाते नहीं देता है। जब जब अधिकारी आ जाते हैं तब तब नहीं देते हैं, है ना? आपको आपके पेमेंट से मतलब है, नियम कानून से मतलब है ना? कस्टमर आए या ना आए, जब मेरे भैया देख लेंगे, चार बार सुनाएंगे, तब भी वो जाके हम निपट लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। हमारी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस से ज्यादा चौकन्ने और सावधान वो पेट्रोल पंप डीलर हो चुके हैं जो कतई आपकी और हमारी सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करना चाहते। लेकिन ये सुरक्षा के ढोंग का पर्दा तब उठ जाता है जब पुलिस से लेकर पेट्रोल की बिचैया से लेकर मोटी कमैया करने वाले राम नाम बगल में छुरी रखने का काम कर रहे होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में चलाए गए हेलमेट अभियान की। जैसे मरे जानवर को कुत्ते, गिद्ध और न जाने कितने ही जानवर नोच नोच कर खा जाते हैं, वैसा ही कुछ हाल रीवा जिले में भी हेलमेट को लेकर चलाए गए अभियान में दिखा था। गरीबों से असहायों तक से हेलमेट के नाम पर हजारों रुपए का, लाखों रुपए का चालान वसूल कर शासन की झोली में डाल दिया गया। लेकिन अब यह अभियान कहीं भी सड़क में नहीं नजर आता। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर फुल फोकस के साथ बात करने आए हैं आपसे, उस पर हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बना रहना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप मालिकों ने हजारों रुपए खर्च करके हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं के पोस्टर, बैनर और स्टैंड अपनी टंकियों के दाएं बाएं लगा डाले हैं, लेकिन उसमें यह लिखना भूल गए कि हेलमेट उसी का हो जिसको पेट्रोल बेचा जा रहा है। आपको बता दें कि आज हमने रीवा के जाने माने पेट्रोल पंप की पड़ताल की तो पाया कि यहां नियमों को ताक पर रखकर लिखा कुछ और दिखा कुछ और वाला किस्सा चल रहा है। पहली तस्वीर है कनौडिया पेट्रोल पंप झिरिया की। यहां पेट्रोल बेचने के लिए मौजूद सेल्समैन एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को हेलमेट दिलाने में पूरा सहयोग करते दिखाई दे रहे हैं। नियम के लिए माई बाप से अच्छा जुगाड़ सेट तो टेंशन को टाटा बाय बाय, सारे नियम भाग में जाए। वहीं दूसरी तस्वीर गुप्ता पेट्रोल पंप की है। यहां आपसे कुछ बताएं उससे पहले आप वीडियो सुन लीजिए, जहां सेलर साफ कह रहा है कि मालिक आ जाते हैं तो नहीं देता हूं, वरना मालिक का लिहाज तो करना ही पड़ता है। कस्टमर को पेट्रोल नहीं देते हैं क्या हेलमेट? दे रहे हैं भैया, जब अधिकारी लोग आ जाते नहीं देता है। जब जब अधिकारी आ जाते हैं तब तब नहीं देते हैं, है ना? गुप्ता पेट्रोल पंप है। अंदर बताइए भैया, अंदर जाप कर बताया। नहीं भैया, हेलमेट चालू है। हेलमेट कहाँ बंद हुई? नहीं, हेलमेट चालू भैया, हेलमेट थोड़ी बंद हुई भैया, अपना बताइए। हेलमेट चालू, हर चीज़ चालू ना भैया, जो लागू होगा तो वो बंद होगी। सही बात है। कस्टमर को पेट्रोल नहीं देते हैं क्या हेलमेट? दे रहे हैं भैया, जब अधिकारी लोग आ जाते नहीं देता है। जब जब अधिकारी आ जाते हैं तब तब नहीं देते हैं, है ना? कौन अधिकारी है? कितने का डाली है अभी? 100 का दे। रह जा, तेल डाल, तेल डाल रहे थे तुम। जैसे अधिकारी आ गए तो हेलमेट के बिना नहीं, तो अभी तो दे रहे हो, अधिकारी के सामने ही दे रहे हो। अच्छा, आपको आपके पेमेंट मतलब है, नियम कानून से मतलब है ना? कस्टमर आए या ना आए, जब मेरे भैया देख लेंगे, चार बार सुनाएंगे, तब भी वो जाके हम निपट लेंगे। अच्छा, चार सौ, 500 का टोटल चलेगा? 500 के देख लो भैया, तुम ही रखे यार। चलिए, कुल मिलाकर कहना और सुनना केवल इतना है कि नियमों की नियमावली की 4-5 प्रतियां इन पेट्रोल पंप डीलरों के लिए भी भिजवानी चाहिए, और ये वाजिब भी है।
खैर जनता तो सिलौटी में रखा वो टमाटर है जिसे हर हाल में मिर्च के साथ पिसना भी है और जिसे पुलिस प्रशासन नमक डालकर बराबर चाट जाता है। फिलहाल इसी रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।